गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? चलो तो आज का ये सेशन शुरू करते हैं हम। सो बच्चों, अभी तक हमने देखा टू वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व करना। उसके जो हम पांच टाइप देख रहे हैं उसमें से दो हमारे निपट चुके। एक है हमारा पहला सीधे में सेम, दूसरा था तिरछे में सेम, ठीक है। और आज कुछ भी सेम नहीं। देखो आज की हेडिंग है कुछ भी सेम नहीं, ठीक है। सो करना क्या है, चलो पढ़ते हैं। यहां थोड़े तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है छोटे छोटे। पहले हेडिंग कौन सी है, कुछ भी सेम नहीं। तीन पॉइंट में से पहला पॉइंट, किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना, ठीक है। सेकंड है उसके लिए, ठीक है, क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना उसके लिए क्या करना है, कोएफिशिएंट्स का उल्टा मल्टीप्लीकेशन करना, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है फिर से पहले टाइप जैसा काम करना। पहले टाइप से काम करना, पहले टाइप कौन सा था, सीधे में से, ठीक है, या वहां पे एडिशन करना सब्ट्रैक्शन करना, ये हमने देखा है पॉइंट के अनुसार। सो चलो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। कुछ भी सेम नहीं, उसके लिए क्या करना, किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना, उसके लिए कोएफिशिएंट्स का उल्टा मल्टीप्लीकेशन करना। किस तरह से करना अभी हम देखने वाले, फिर से, ठीक है, पहले टाइप से काम करना। चलो तो पहला एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है x plus 7y is equal to 10। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, x plus 7y is equal to 10 इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड है 3x minus 2y is equal to 7 इक्वेशन सेकंड। मेरे बच्चों मैंने कई बार आपको कहा पहले शुरुआत से काम करना, या फिर पहला टाइप ध्यान में रखो। पहला टाइप कौन सा था, सीधे में सेम। चलो चेक करते हैं, पहला यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3x, सीधा सेम नहीं। यहाँ पे 7y है, 2y, यहाँ पे y भी सेम नहीं। चलो अब हम सेकंड टाइप को चेक करते हैं, तिरछे में सेम। यहाँ पे देखो भला, अरे 1 है, यहाँ पे 2 है, सेम है क्या, वो भी सेम नहीं। इसका मतलब यहाँ कुछ भी सेम नहीं, मतलब हम इस टाइप पे पहुंच चुके हैं। तो करना क्या है हमको, सबसे पहले किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना है। पहले तो आप तय करो किसको सेम बनाना है, x को सेम बनाना है कि y। अब देखो मैं x का चुनाव करता हूं, यानी हम x को सेम बनाते हैं, उसके लिए क्या करना है, कोएफिशिएंट्स का उल्टा मल्टीप्लिकेशन। अब आप चेक करो कोएफिशिएंट, हमने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा है किसको कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहां कोएफिशिएंट यानी जो मल्टीप्लिकेशन में वो है हमारा 3, ठीक है। और यहां पर है हमारे पास, अरे कुछ दिखता नहीं, मतलब क्या होगा, कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब क्या रहेगा, 1। तो चलो हम क्या करते हैं, x को सेम बनाते हैं, उसके लिए कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसका उल्टा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। उल्टा मतलब कैसा, ये जो 3 है इस 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 1 3 होगा, और इस 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 3 3 होगा, यानी सेम आ जाएगा। लेकिन एक बात है, 1 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चल जाता। तो सिंपल मैं क्या करने वाला हूं, इस 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x * 3 3x बनेगा, ठीक है। लेकिन एक बात है, जब आप इस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, अब आप घर में ले लो, एक आधा आपने वाटरमेलन ला लिया घर पे, ठीक है, और लाया काटा और खुद खाया और एक आधी किसी को दिया, और बाकी लोग ऐसे तुम्हारा मुंह देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको, नहीं लगेगा। एक तो देना है तो सबको, नहीं तो किसी को मत दो। इसी प्रकार यहां 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो सबको मल्टीप्लाई करो, नहीं तो करो मत, आपको अधिकार नहीं है किसी को, सिर्फ एक को देने का, सबको देना, ठीक है। सो इस 3 से आप x को भी 7y को भी और 10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सिंपल इस 3 से आप इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता है। सो चलो हेडिंग डालते हैं, हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। सो हेडिंग होंगी फ्रॉम 1 into 3, इसका मतलब है 3 से इक्वेशन 1 में जितने भी है उन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करो फट से, 3 into x 3x, ये प्लस है तो प्लस, 3 7 21 साथ में है y is equal to, और 3 10 बनेगा 30, ठीक है। और एक नया इक्वेशन हमको मिलता है यहां पे, इक्वेशन 3, एक नया इक्वेशन कौन सा मिलता है हमको, इक्वेशन 3। अब ध्यान में रखो, आप इक्वेशन 1 को मत देखिए, अब आप देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। और कहा था मैंने क्या, किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना, हमने x को सेम बनाया है, कैसे,
कोएफिशिएंट्स का उल्टा मल्टीप्लिकेशन करके, और एक पॉइंट था फिर पहले टाइप से काम करता है। चलो देखो इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री में देखो, अब आओ यहां पर आओ आओ, ये देखो 3x है 3x है, मतलब सीधे में x सेम है, हम पहले टाइप में आ गए। अब करना क्या है, साइन चेंज करो, ये 3x का साइन है प्लस, क्योंकि दिखता नहीं मतलब प्लस, यहां पर भी साइन दिख नहीं रहा मतलब प्लस है, मतलब दोनों का साइन सेम हो गया, और सेम साइन है तो हम क्या करते, क्या करते, यस सब्ट्रैक्शन, क्या करते वहां पर हम सब्ट्रैक्शन। तो चलो हम इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री की सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो यहां पर लिखेंगे हम फ्रॉम सेकेंड माइनस थर्ड, ठीक है, और बराबर एक के नीचे कितना आपको, ये है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन सेकेंड, उसके बाद उसके नीचे लिखो 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन थर्ड। लेकिन मेरे भाई हमने यहां हेडिंग डाली है सब्ट्रैक्शन की, और याद करो पहले टाइप में सब्ट्रैक्शन करते समय नीचे के पूरे साइन चेंज करना है, नीचे के पूरे साइन चेंज कर दो। सो यहां पर पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते, अब देखो ये 3x का साइन दिखता नहीं मतलब प्लस है, प्लस का बनेगा माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का भी माइनस बनेगा, और अब आपको सॉल्व करना। चलो देखो यहां पर 3x माइनस 3x कैंसिल, अब आप देखो यहां पर यहां पे माइनस या प्लस नहीं लेना, प्लस नहीं लेना है, यहां पे भी माइनस, यानी साइन हो गए सेम। अब देखो यहां पे 2y और 21y सेम साइन है तो एडिशन, और एडिशन में जो साइन है वो आंसर को साइन दो, यानी माइनस 21 और 2 ये बन जाएंगे 23, साथ में आएगा y इज इक्वल टू, अब देखो ये 7 का साइन प्लस है, प्लस और ये माइनस डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन के लिए बड़े नंबर का साइन माइनस, 30 में से 7 जाएगा ये बनेगा 23। चलो बताओ क्या मिलेगा हमको, यस क्या मिलेगा y, सो y इज इक्वल टू, ठीक है ये माइनस 23 है, उधर जाएंगे तो प्लस 23 होंगे नहीं, क्योंकि यहां पर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। सो माइनस 23 जैसे के तैसे डिविजन में जाएंगे, ठीक है, सो यहां पर है माइनस 23 अपॉन ये पूरा माइनस 23, अब देखो ना यहां पर क्या होगा, माइनस माइनस भी कैंसिल, 23 भी कैंसिल, एक्चुअल कैंसिल मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 1, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, ठीक है। सो y की वैल्यू आएगी 1, और ध्यान में रखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है ना 0, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ नहीं मतलब 1। अब देखो ना y की वैल्यू मिल गई, अब किसकी वैल्यू निकालना बाकी है, x की, क्या करेंगे हम वही टेक्निक, इस y की वैल्यू को जो इक्वेशन सिंपल है उसमें रख दो, ठीक है, यानी क्या करेंगे आप यहां पर पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, अब तीन इक्वेशन में से इजी इक्वेशन कौन सा है, तो मुझे फर्स्ट में दिख रहा, तो मैं फर्स्ट में रख देता हूं, तो इक्वेशन 1 में रखो, और इसका मतलब तो सब कुछ मालूम है, इक्वेशन 1 में जहां जहां y वहां वहां का है 1। सो चलो ये 1 है, ये 1 1 1, ये x है, चलो आगे बढ़ो, x प्लस 7y, 7y का मतलब 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, सॉल्व करिए x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, अब आपको क्या चाहिए x, 7 उधर जाएगा प्लस है तो माइनस, सो बनेगा यहां पर x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, सो फाइनली x इज इक्वल टू 3, और यहां पे हमको x की भी वैल्यू मिल गई 3, ठीक है, तो हमारा काम हो गया ना भाई, y भी हो गया x भी, लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, कौन सी बताओ जल्दी, यस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, यहां पर ये लाइन लिख देना है, आप सबको मालूम है गोलू ब्रैकेट, बोले तो राउंड ब्रैकेट, पहले किसकी वैल्यू x की, और x की वैल्यू क्या है 3, और y की वैल्यू है 1, सो हमारा आंसर है 3, 1, मतलब x 3 और y 1, सो बच्चों इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये टाइप है हमारा, कुछ भी सेम नहीं, करना क्या है किसी एक वेरिएबल को सेम बनाना, उसके लिए कोएफिशिएंट का उल्टा मल्टीप्लिकेशन करना, और फिर पहले टाइप से काम करना, हो गया। चलो तो अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलो अब पास करते हैं हम शुरू, ठीक है, तो चलो बताओ पहले हमारे पास कौन है, 5m minus 3n is equal to 19, equation first, second, m minus 6n is equal to minus 7, equation second, चलो पहला टाइप, सीधे में सेम नहीं है, 3, 6 नहीं है, तिरछे में सेम 5, 6 नहीं है, मतलब पहला भी नहीं दूसरा भी टाइप, कितना कौन से टाइप में आ जाएंगे, तीसरे टाइप में, कुछ भी सेम नहीं, और उसके लिए किसी वेरिएबल को सेम बना, मैं सेम बनाना चाहूंगा m को,
क्योंकि यहां पे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप n को लेते हो तो दो बार करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये 9 पे भी हमारा हल्का फुल्का हो चुका है, ठीक है। तो चलो m को बनाते, सो ये 5 है, इस 5 को मल्टीप्लाई करते, ठीक है, इस 5 से इसको मल्टीप्लाई करते, ठीक है। और यहां पे 1 है, 1 से करेंगे, 1 से करने के बाद वही आता, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो सिंपल, इस 5 से इस m को करते, m को करते मतलब सबको करना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन 2 को। सो इस इक्वेशन 2 को मतलब मैं लिखूंगा यहां पर फ्रॉम 2 इनटू कितना 5। सो इक्वेशन 2 में सबको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो बोलो 5m माइनस 5 6 30 एंड, और ये माइनस है, 5 7 35। इक्वेशन नया मिला, इक्वेशन 3। हमने किसको चेंज किया, सेकंड, उसको हाथ नहीं लगाना, जैसे यहां पर 1 को चेंज किया, हाथ नहीं लगाया, सेकंड और थर्ड से किया, यहां पे सेकंड को मल्टीप्लाई किया, चेंज किया, मतलब इसको हाथ नहीं लगाना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से काम चलाना है। अब देख इक्वेशन 1 और 3, यहां पे 5m है, यहां पे भी 5m है, दोनों के साइन देखो आप सेम है, सेम है तो सबट्रैक्शन, यानी हम यहां पे बोलेंगे फ्रॉम 1 - 3, ठीक है। चलो फटाफट फटाफट बताओ, यहां पे हो गया हमारा एक बार, चलो बताओ यहां पे इक्वेशन फर्स्ट, चलो फट से लिखो 5m - 30m = -35। इक्वेशन थर्ड, ठीक है, सबको मालूम है क्योंकि सबट्रैक्शन करनी है, साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, 5m कैंसिल। अब देखो यहां पे माइनस है, नीचे का लेना है साइन, प्लस, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट है तो सबट्रैक्शन, ठीक है। और आंसर को बड़े का साइन, 3 बड़ा है कि 30 बड़ा है, यस 30, 30 का साइन प्लस है, प्लस ने लिखा तो भी चलता। अब 30 में से 3 गए, तो 30 में से 3 गए तो बनेंगे 27, 7 में n इज इक्वल टू, अब देखो 19 का साइन दिखता नहीं मतलब प्लस, 35 का भी प्लस है मतलब सेम है तो एडिशन करो डायरेक्ट फट से, 9 और 5 14, कैरी 1 1 और 3 4 4 और 1 5, ठीक है। तो चलो बताओ n इज इक्वल टू क्या बनेगा, अरे बोलो फटाफट, अपॉन 27, क्योंकि 27 मल्टीप्लिकेशन में, अरे बोलो ना फट से टेबल, n इज इक्वल टू 27 1 27 27 2 बनेंगे 54। और मेरे भाई टेबल भी याद चाहिए, ठीक है, टेबल याद करना ही पड़ेगा आपको। सो n की वैल्यू मिल गई हमको 2, अब करना क्या है, n की वैल्यू रख दो किसमें, मैं सेकंड में रखता हूं क्योंकि चेंज करने के बाद नंबर्स बढ़े थे और ये थोड़ा इजी लग रहा है, सो सेकंड में रखते हैं। चलो बोलो फट से 4n is equal to 2 in equation second, इसका मतलब इक्वेशन 2 में जहां जहां n, वाह वाह कौन 2, देखो यहां पर ये 2 है, ये m as it is minus ये 6 into n, n n यानि 2 is equal to minus 7, है, सॉल्व करो, m minus 6 to the 12 is equal to minus 7, बोलते जाओ, m is equal to minus 7, minus 12 उधर जाएगा तो plus 12, ठीक है, और m बनेगा, different sign है, subtraction, answer को बड़े का sign, यानि plus, नहीं लिखा तो भी चलेगा, 12 में से 7 गए, 5, तो m की value होगी 5, last में लिखना है, solution of equations, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। सो फिर से गोलू ब्रैकेट, बोले तो राउंड ब्रैकेट, एबीसीडी के अनुसार पहले m आता है इसलिए 5, बाद में n आता है इसलिए n की जगह पे 2, सो हमारा ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलो इस प्रकार हमको सॉल्व करना है। चलो अब देखते हैं हम सेकंड थर्ड एग्जांपल, अब थर्ड एग्जांपल में आते फिर से वही चेक करो, सबसे पहले